मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हनीफ है और मैं एक रिटायर्ड यूनिवर्सिटी पिशावर में बतौर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैं जो है मैंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जो मैं मसला सॉल्व कर रहा हूँ फार्मर्स का वो ये है कि फार्मर्स ऑन फार्म जो लॉसेज है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। 30 से 40% जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, फल और सब्जियां है, वो खराब हो जाती है मार्केट में लाने से पहले। तो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब होते हैं उनको अगर हम ऑन फार्म ड्राई करते हैं तो फार्मर इसको दोबारा बेच सकता है और इससे पैसे कमा सकता है। तो मैंने जो है इसके लिए एक मशीन जो है वो डेवलप की है, एक डिवाइस पेटेंट किया है जिसके जरिए से हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं और फिर इनको हम पाकिस्तान में मार्केट्स में बेच सकते हैं। अच्छा, ये जो डिवाइस है तो ये एक्चुअली सनलाइट पर काम करते सूरज की रोशनी को हीट में तब्दील करता है, जिसको फिर हम हवा को देते ये हीट, जिससे गर्म हवा आकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्राई करती है। मैं ये जो प्रॉब्लम हल करना चाहता हूँ इसके लिए एक मशीन हमने बनाई है जिसको कहते हैं फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। ये मशीन जो है ये सूरज की रोशनी को तब्दील करता है हरारत में, जिसके जरिए से फिर हम मुख्तलिफ फल और सब्जियों को खुश करते हैं। अच्छा, मेरा जो आइडिया है इससे लोगों को खासकर फार्मर को ये फायदा होगा कि एक तो फूड की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, उनके जो नुकसानात है लॉसेस है वो कम होंगे और मुल्क का जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हमारे पास फूड ज्यादा होगा तो हम इसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के जीडीपी पर अच्छा असर पड़ेगा। फार्मर्स का लाइफ जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम देख ले तो 30 से 40% फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जाया होना ये एक बहुत बड़ी मिकदार है। तो अगर इसको हम जाया होने से बचाएं तो एक तो हमारे खुराक का जो जाया होना है वो भी बच जाएगा, दूसरा ये कि फार्मर को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। मैं अब आने वाले दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर अपने आइडियाज को पेश करें, तो इससे ये होगा कि इनके आइडिया में निखार आएगा, इनमें जो मसले हैं तो वो सॉल्व होंगे। यहाँ पर जजेस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो आपके आइडिया को निखारते हैं, आपको ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं जिसके मदद से आपका जो आइडिया है वो और भी अच्छा हो जाता है और इससे आपका आइडिया जो है वो बआसानी एक्सेप्ट होगा और